सबसे पहला मेरा सवाल है, बिहार में इस रामलला के उद्घाटन पे काफी सारा राजनीति हो रहा है, इसके बारे में आपको क्या मन में है? राजनीति करने वाला तो करेंगे, राजनीति तो करने वाला करेंगे। आज राम का, आज राम प्रभु, आज 500 वर्ष पहले एक चटाई में रहते थे, तिरपाल में रहते थे। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आज आगमन हुआ, आज हम लोग बहुत खुश है कि हम लोग का लला आज विराजमान हो चुके हैं। इसलिए मैं अपने क्षेत्रवासियों से मैं आग्रह करता हूँ कि आज हम लोग को, हिंदू भाई लोग को आज खुशी मिल रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज उनको आज एक स्थान दे दिए। बहुत राजनीति हुआ इस मंदिर पर, कभी लोग बोलते थे कि मंदिर कब बनाएंगे, तारीख कब बताएंगे, आज प्रभु राम अपने जगह पर चले गए हैं। इसके लिए मैं अपने क्षेत्रवासियों को और नरेंद्र भाई मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यह आज उत्सव का दिन है। इसके लिए आज जलालपुर पंचायत में बहुत बहुत बड़ा जुलूस आज हो रहा है। इसके लिए मैं अपने जनता से बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और उत्सव माता बहन सब लोग अपने नाच गान सब लोग प्रसाद, यहाँ प्रसाद का भी वितरण हो रहा है। बहुत हम लोग आज खुश है कि हम लोग का राम आज अपने जगह पर चले गए, तिरपाल में से निकल कर राजोग चले गए। बहुत खुश है, जय श्री राम। देखेगा एक और मेरा सवाल है, राजनीति तो काफी लोग कर रहे हैं, काफी हुआ, मेरे कितने भी जवान कितने भी लोग मरे, कितने मतलब की हत्या हुआ, कितना कुछ भी हुआ, अगर योगी जी नहीं होते और मोदी जी नहीं होते तो क्या ये संभव था कि नहीं था? अखिलेश जी तो उनका जो न्योता गया, उनका पिताजी जो मुख्यमंत्री हुए करते थे, हम लोग आज भी याद है कि वहाँ गोली चलवाए, कल्याण सिंह ऐसा मुख्यमंत्री थे कि वहाँ गोली नहीं चलवाए, वो इस्तीफा दे दिए। बाकी यही मुख्यमंत्री क्या नाम है, अखिलेश जी के पिताजी, वो मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हुए और वही रामलला के कार सड़क पर गोली चलवा दिए। इसके लिए बहुत हिंदू मारे गए, इसके लिए बहुत हिंदू वहाँ हम लोग देख के अब खून से लाले लाल हो गया जमीन, और यह बहुत अत्याचार हुआ। और आज के बाद आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, हम लोग उत्सव मना। आज भी ओवैसी कह रहा है कि कल मेरा सरकार बनेगा तो कल हम इस राम मंदिर को तोड़वा के मस्जिद बनवा देंगे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मस्जिद तोड़वा देंगे, आज भी ओवैसी मंदिर तो। ओवैसी जी, आप लोग हिंदू को नहीं पहचानते हैं, जिस दिन हिंदू इकट्ठा हो गया उस दिन आप लोग मंदिर क्या मस्जिद तक तो नहीं चलवा सकते हैं। यह आप लोग का सोच गलत है, यह सोच गलत है कि जो मंदिर कभी टूटेगा नहीं। अगर हिंदू जाग गया, अभी थोड़ा जाग रहा है, अगर जाग गया समय से तो समझ जाइए कि आप लोग कहाँ जाइएगा, कोई ठीक नहीं है। जय श्री राम। बिहार के अभी तो माननीय तेजस्वी जी मुख्यमंत्री है, माननीय तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है। अगर रामलला का जहाँ मंदिर बन रहा है वहाँ पे हॉस्पिटल बनता तो गरीबों का लोगों का मतलब की इलाज होता, उनके प्रति वो उनके पास भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो ठुकरा दिए, वो भी नहीं गए, वो किस गुरूर में जी रहे हैं अभी, क्या उसके बारे में कहना चाहेंगे? देखिए, जो सीएम उप सीएम है तेजस्वी यादव जी, अपने बिहार के लिए हॉस्पिटल नहीं बनवाए, अपने पिताजी के लिए हॉस्पिटल नहीं बनवाए, तो जनता के लिए क्या बनवाएंगे? यह शोचनीय वाली बात है, हमारी जनता भी सुन रही है। अगर वो हॉस्पिटल बनवा देते तो उनका पिताजी नहीं जाते विदेश में सिंगापुर ऑपरेशन करवाने के लिए। यह तो भगवान का ये लो नहीं है, अगर भगवान के होते तो जरूर अयोध्या जाकर घूम लेते, बाकी यह भगवान को लोग नहीं मानते हैं। मैं इनसे यह कहूंगा कि उनका उनके ऊपर भगवान का छत्र साया नहीं है,
हमको सतबुद्धि दे आ कि जाकर भगवान से तो चरण में गिर जाए। जाते जाते सनातन प्रेमियों को क्या कहना चाहते हैं, क्या लक्ष्य देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं सनातन प्रेमियों से यह कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपना अपना धर्म समय समय से जो भी समय आ रहा है, आज 22 तारीख को आज विराजमान रहे हैं भगवान। इसके बाद हम लोग 22 जब भी आएगा उस साल में हम लोग फिर से इनका महोत्सव मनाएंगे, इसी तरह धूमधाम से मनाएंगे। मैं अपने देशवासियों से यही कहना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ। और यह आपका एक मेरा लास्ट सवाल है, जो लोग मतलब जात पात में बात करते हैं, जात पात वाले लोगों से क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि कोई यादव कहता है, कोई बावन कहता है, कोई बंजार कहता है, इसके बारे में क्या? हम तो कहते हैं कि सनातन प्रेमी एक हो जाए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग सबके हैं, ना मुसलमान अलग है ना हिंदू अलग है। अभी हमारे खून चीर कर देखिए तो मुसलमान का खून मिलाइए, हमारा खून मिलाइए की है। ये धर्म तो बांटने वाला काम लोग कर रहे हैं, बैरे बांटने वाला काम हर एक क्षेत्र से मैं कहूँगा, हर एक जनता से कहूँगा कि हम लोग एक साथ रहें, एकजुट रहें। जो भी आपका अगर समस्या हो तो हिंदू मिलकर करें, मुसलमान भाई का समस्या हो तो मुसलमान भाई मिलकर समय कर हम